हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डिंपल, आपकी अपनी क्रिएटिव नेल आर्टिस्ट। आज सुबह सुबह फिर से हम लोग कहीं अच्छे जगह से नाश्ता करें सोच के निकल पड़े हैं। पेटू में चूहा दौड़ रहा है, बट ये देखो ये इलेक्ट्रिक पोल भाई साहब ऐसे उखड़े पड़े हैं कि पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। ये कोई गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो भगवान बचाए। मैं अभी बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम में चिकना टिफ़िन रूम में हूँ। यहाँ के फूड के बारे में मैंने बहुत सुना है, ट्राई करते हैं कैसा है, देखते हैं। चलिए, घी पोड़ी इडली, कॉफी पोड़ी, मसाला डोसा। एकदम सॉफ्ट इडली है और टेक्सचर बहुत मस्त है इडली का, और पोड़ी और घी का स्वाद एकदम अच्छे से कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। उसके साथ चटनी भी लगाया मैंने, तीनों का मिक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है इडली के साथ, पसंद आया मुझे। यहाँ पे हमने जो इडली और डोसा लिया पोड़ी वाला, दोनों भी बहुत अच्छा लगा, और जो टी कॉफ़ी था वो भी डिसेंट अच्छा था, पसंद आया। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स और हस्बैंड है तो उन्होंने टी कॉफ़ी पी लिया, मैं नहीं पीती हूँ, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था ना, तो उन लोगों को पसंद आया टी कॉफ़ी। और यहाँ पे आप आ रहे हो तो आपको टू व्हीलर पार्किंग भी मिल जाएगी, सो देख सकते हो। तो एरिया भी बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे शांत एरिया है। तो आपको अगर आना रहेगा शेषाद्रीपुरम के साइड तो चिकन टिफ़िन रूम में आना ही चाहिए। ओके, इडली डोसा तो बहुत खा लिया हमने, अभी और भी बचे हैं आउटलेट्स खाने के लिए, बट उसके बीच में हम लोग एक चाट भी ट्राई करते हैं, कर्नाटका स्टाइल चाट। चलिए जाते हैं चेट्टीज कॉर्नर में, जो कि मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर सब लोग बन निपट मसाला खा रहे हैं, हमने भी वही लिया है। एकदम डिफरेंट है, पहले कभी मैंने ऐसा वाला खाया नहीं था। निपट जो है यहाँ पर कर्नाटका का एक फूड है, ये इसको निपट बोलते हैं, जो कि पैटीज की जगह निपट डाला हुआ है यहाँ पे। गुड, ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। हम आ पहुँचे हैं द फेमस सेंट्रल टिफिन रूम CTR। ये कितना फेमस है ये आप यहाँ का क्राउड देख के आप समझ सकते हो। देखो सारे टेबल्स भरे हुए हैं, बस इतना ही नहीं, अब बाहर देखो लोग कैसे लाइन लगा के खड़े हैं। अलग लेवल का पॉपुलैरिटी है ये रेस्टोरेंट का। CTR में अंदर बैठ के मैं आपको फूड का रिव्यू नहीं बता पाई, क्योंकि वहाँ पे इतना शोर है, क्राउड के वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस है। तो मैं आपको अभी अपने कार में बैठ के रिव्यू दे रही हूँ। वहाँ पे हमने तीन चार चीज़ें ली है, एक तो डोसा जो कि बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना है, बेन्ने डोसा बोलते हैं, मतलब बटर वाला डोसा, नॉट घी, बटर का डोसा है, बटर का फ्लेवर अच्छे से आ रहा है। और अपना बोंडा सूप, मतलब जो वड़ा रहता है, मेदू वड़ा, आपने अगर सुना होगा तो, मेदू वड़ा में बीच में होल होता है, बट इसमें होल नहीं है, एक राउंड बना देते हैं उसी सेम बैटर का, उसको दाल के साथ परोसते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया वो खाने के लिए, एक अलग एक्सपीरियंस था। और हमने मद्दूर वड़े खाया, मद्दूर वड़े, एक्चुअल मद्दूर वड़ा इस इधर जो मिलता है इससे थोड़ा सा मोटा, थोड़ा रवा ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, बट यहाँ का थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी था, बट
टेस्ट वाइज इट्स गुड। और है गोली बजे, यहाँ पे उसको मंगलूर बज्जी बोलते हैं, गोली बजे को, उड़पी साइड मैंगलोर साइड सब उसको गोली बजे बोलते हैं। उधर का उड़पी वाला गोली बजे, मैंगलोर वाला गोली बजे, इससे इधर जो मिलता है इससे थोड़ा सा छोटा रहता है और उसका टेक्सचर हल्का सा अलग रहता है, बट यहाँ का भी टेस्ट मुझे अच्छा लगा। टेक्सचर दो अलग है बट उसके अंदर एक स्वीटनेस भी है और ओवरऑल एक अच्छा डिश है। तो आपको अगर ट्राई करना है, ये सब आइटम्स आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे सीटीआर में। अगर मल्लेश्वरम में हो तो सीटीआर इज़ अ मस्ट विजिटिंग प्लेस। यहाँ पे आप क्राउड ऑलरेडी देख चुके हो, लोग कितने घंटों तक वेट करते हैं। सुबह अगर आप आओगे ना, आपको घंटों वेट करना पड़ेगा सीट लेने के लिए, रोड के एंड तक लाइन रहता है। तो हम लोग अभी शाम को आए थे और मेरी फ्रेंड ऑलरेडी लाइन में खड़ी थी, तो मुझे थोड़ा इजीली जाने को मिला अंदर, वरना मुझे भी वेट करना पड़ता। तो आप जब भी आओगे प्लान करके आना, और मस्ट विजिट प्लेस में से एक है ये। अगर आप सीटीआर में गए तो उसी के रोड पे, दैट इज 7th क्रॉस रोड पे, आपको ये श्री कृष्णा स्वीट स्टॉल मिलेगा। उधर जाके जो उनका स्पेशल मैसूर पाक है वो खरीदना ही है आपको। सुबह से इतना सब कुछ खा लिया कि अब पेट में जगह नहीं बचा है, बट फिर भी दावणगेरे बेन्ने दोसे खाना तो बनता ही है, वो भी डीवीडी में। तो चलिए यहाँ का भी टेस्ट देख लेते हैं कैसा है। ಆರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಎರಡು ಕಾಲೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪನ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಸೆಟ್ಟು ಯೇ ದೇಖೋ ಕೇಸು ಬಟರ್ ಡಾಲಿ ಜಾ ರಹೇ Time for second round of butter. इनका दो आउटलेट है, लोकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। भर भर के बटर डाल के डोसा बना के दिया। डोसा अच्छा था बट अपना वाला डोसा थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया था उसका बेस, तो इसके लिए हल्का सा टेस्ट चेंज लग रहा था। बट फिर भी डोसा का जो टेस्ट है मुझे अच्छा लगा, रिगार्डलेस ऑफ बर्निंग। तो अगर थोड़ा अच्छा से बना होता, जला नहीं होता, तो और भी अच्छा लगता। चटनी बहुत तीखी चटनी थी, मुझे पसंद आई। आज पूरा दिन सिर्फ गरम गरम खाया है तो सोचा थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हमें मिला यहाँ पे जंगल जूस जंक्शन, जहाँ पे फ्रेश फ्रूट जूसेस मिलता है, कट फ्रूट बोल भी देते हैं। तो हमने ये सब लिया और अभी पी के हम लोग घर पे जाने वाले हैं। तो बेंगलुरु में हमने आगे क्या किया ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर एंड
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टेक केयर, बाय.